कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जियो सिनेमा की नई रिलीज मूवी वन फ्राइडे नाइट के बारे में। बात क्या करनी, चलो मैं आपको इसकी एक पूरी की पूरी स्टोरी ही सुना देता हूं। लीड रोल निभा रहे हैं मिलिंद सुमन, रवीना टंडन। सुमन और रवीना हस्बैंड वाइफ का रोल निभा रहे हैं। सुमन एक बिजनेसमैन है और रवीना एक गायनोकोलॉजिस्ट है। मूवी के स्टार्टिंग में ही सुमन अपनी वाइफ यानी कि रवीना टंडन को झूठ बोल के निकलता है कि वो दूसरे शहर जा रहा है अपनी बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने, लेकिन बिल्कुल झूठ बोलते हुए वो मिलने जाता है अपने दूसरे ही बंगलों पे अपनी गर्लफ्रेंड को। वहाँ पर जाकर उसको पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पेट से है, जिसे सुनकर उसे बहुत ही खुशी हो जाती है क्योंकि मिलन सुमन और रवीना टंडन का कोई भी बच्चा नहीं हो पाता। इसी खुशी के मद्देनज़र दोनों अपने पकड़ा पकड़ाई का खेल शुरू कर देते हैं बारिश के मौसम में। इसी दौरान मिलन सुमन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है फर्स्ट फ्लोर से, जिससे उसके सिर पर चोट आ जाती है और वो हो जाता है अनकॉन्शियस। उसकी गर्लफ्रेंड पैनिक में फ़ोन करने लगती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन कर देती है रवीना टंडन से बात होने के बाद पहुंच जाती है वो मिलन सुमन का इलाज कर। जब सुमन को होश आ जाता है तो रवीना टंडन उसकी गर्लफ्रेंड को जाने के लिए बोलती है, लेकिन सुमन उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ना भेजे क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह देख के रवीना टंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप से मिलन सुमन को तकिए से दम घुटने से मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड को ये नहीं पता होता कि उसने मिलन सुमन को मार दिया है। अगली सुबह पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लेते हैं और रवीना टंडन अपने घर में सो रही होती है तो उसको फ़ोन करके बताते हैं कि उसके हस्बैंड की मौत हो गई है। तो दिखाया जाता है फ्लैशबैक कि रवीना टंडन ने पति को कैसे मारा और इल्ज़ाम लग गया उसकी गर्लफ्रेंड पर। यही थी पूरी मूवी की स्टोरी और मूवी भी खत्म हो गई और मेरे 1.5 घंटे भी, तो मुझे लगा शायद आपके 1.5 घंटे तो मैं बचा ही सकता हूँ। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।